हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी, और आज हम 11th क्लास के जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा पाइसेस। हमने वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया था और हमने पाइसेस को फिन्स के बेसिस पर डिवाइड किया था वर्टिब्रेटा में। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सॉरी नॉट वर्टिब्रेटा, इट्स वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में हमारी पाइसेस आती है। तो पाइसेस जो होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पर? कि उनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है या बोनी है। अगर उनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है तो उनको हमने बोल दिया कॉन्ड्रैक्टिस, और जिनका बोनी है वो ऑस्टियोक्टिस। ये दो कैटेगरी होंगी हमारी, और इनके बारे में एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन फिशेस की जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट की और इनकी शेप की। मेराइन होती है और स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है। सेम नेक्स्ट, आगे जिन बेसिस पर इनको हमने डिवाइड किया है, दैट मीन एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस का बना होता है। नेक्स्ट, माउथ की अगर बात करें, माउथ जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। दो साइड होते हैं, एक डोर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जिस तरफ फेस होता है ये वेंट्रल साइड होता है, और पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड में डोर्सल होता है। तो इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रली नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ वेंट्रली इनका माउथ लोकेटेड होता है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और वो कवर नहीं होते अपर कुलम से। अपर कुलम एक्चुअल में ये गिल्स के ऊपर एक कवर होता है। तो जो ये आपकी कार्टिलेजिनस फिश होती है इनके अंदर गिल स्लिट्स तो होते हैं लेकिन अपर कुलम से वो कवर्ड नहीं होते। नेक्स्ट, उसके बाद इनमें जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स तीन तरह, चार तरह के होते हैं। वैसे तो बेसिकली हम यहाँ पर तीन तरह के देखेंगे। पहले आपके आते हैं पेलेकोइड, साइक्लोइड और टेनोइड। हम कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं तो कार्टिलेजिनस फिश में पेलेकोइड स्केल्स होते हैं। उनकी शेप इस तरह की होती है जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है। तो ये इनकी शेप होती है। तो ये स्केल्स की खास बात होती है, जब ये माउथ में होते हैं स्केल तो मॉडिफाइड होकर बहुत पैने दांत बना देते हैं, यानी कि टिथ में मॉडिफाइड हो जाते हैं। पेलेकोइड स्केल्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होकर टिथ बन जाते हैं, और जो बैक साइड की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शार्क के टीथ होते हैं, क्योंकि जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें ग्रेट व्हाइट शार्क आती है। तो अगर शार्क के हमने टिथ देखे होंगे कभी डिस्कवरी पे, अभी भी शार्क को दिखाते हैं, तो उसमें बहुत पैने और अंदर की तरफ मुड़े हुए उनके दांत होते हैं, तो पेलेकोइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लेडर की बात करें तो वो अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है, और इसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम सेक्सेस की बात करें तो जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और ये विवीपेरस होते हैं। विवीपेरस, ओवीपेरस, दो चीजें होती है, एक विवीपेरस होता है, एक ओवीपेरस होता है। विवीपेरस जो बेबी बोर्न करते हैं और ओवीपेरस जो एग ले करते हैं। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ये विवीपेरस होती है। अब कुछ जनरल करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे नोटोकॉर्डिन में परसिस्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, इनकी पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हमने बात की थी, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कुछ जो फिशेज होती है कार्टिलेजिनस फिशेज में, उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, यानी कि करंट मारने वाली फिशेज। जैसे एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो वो फिश होती है जो करंट मारती है, इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं इसको, करंट मारने वाली फिश होती है। कुछ में पॉइजन होता है, पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है, डंक टाइप जिसे हम बोलते हैं, स्टिंग मतलब डंक होता है, जहर वाली, जिसमें टाइगोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि अपना बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं कर रख सकती। एम्बियंट के अकॉर्डिंग इनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया, स्कोलिडन का एग्जाम्पल आ जाता है, इसमें ग्रेट व्हाइट शार्क का एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ऑस्टियोथिस की। बोनी फिशेज होते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं सबसे पहले। मैराइन और फ्रेश दोनों तरह के वाटर में मिलेंगी। बॉडी इनकी भी स्ट्रीम लाइन ही होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है इनकी। स्ट्रीम लाइन बॉडी
स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, एंडोस्केलेटन बोनी होता है, माउथ इनका टर्मिनल होता है, टर्मिनल का मतलब ये होता है कि बीच में, ऐसे उनका वेंट्रल था ऐसे नीचे की तरफ, इनका बीच में टर्मिनल एंड्स पर होता है। नेक्स्ट गिल स्लिट्स होते हैं, फोर पेयर गिल स्लिट्स होते हैं और उनको कवर करता है अपर कुलम, यानी कि इनमें अपर कुलम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्केल्स की बात करें तो इसमें साइक्लोइड और टेनोइड दो तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम आपके सामने, ये साइक्लोइड होते हैं और ये टेनोइड स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एयर ब्लैडर की तो एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है, बायोन्सी को मेंटेन करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और ये ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस जो अंडे देते हैं। हर्ट की बात करें तो इनका हर्ट टू चैम्बर्ड होता है, और अगर हम कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो इनका हर्ट भी टू चैम्बर होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस थी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, इसमें एग्जांपल आपके कैटला का एग्जांपल आ जाता है, लेबियो रोहिता का एग्जांपल आ जाता है, बहुत सारी एग्जांपल आ जाते हैं इसमें। तो नॉर्मली जो फ्रेश वाटर में भी हम फिशेस देख सकते हैं जो खाने के लिए भी यूज की जाती हैं, तो वो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इन दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, या फिर आप नीट में अगर तैयारी करते हो तो उसमें क्या करते हैं, आपको करेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना है कि बोनी फिशेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं या कार्टिलेजिनस के, आपको करेक्टरिस्टिक दिए जाएंगे, यानी कि उल्टा मतलब आपको आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे फिर उससे। तो ये इस तरीके से आप एक लाइन बनाए बीच में और उस तरीके से उसमें डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, जो कॉमन पॉइंट्स है वहां पर आप कॉमन सेम पॉइंट्स है वो लास्ट में सेम पॉइंट्स लिख लें, और जो डिफरेंसेस है वो पहले डिफरेंसेस देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है मैराइन है, लेकिन ये मैराइन प्लस फ्रेश वाटर है, कार्टिलेजिनस है, ये बोनी है, इनका माउथ वेंट्रल होता है, इनका टर्मिनल होता है, अपर कुलम गिल स्लिट्स है लेकिन अपर कुलम नहीं है, लेकिन अपर कुलम इसमें प्रेजेंट है, पेलिकॉइड स्केल्स होते हैं इसमें, टेनोइड या साइक्लोइड होते हैं इसमें, एयर ब्लैडर अब्सेंट है उसमें प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इसमें एक्सटर्नल है, विवीपैरस है ओवीपैरस है, नोटोकोड परसिस्ट करता थ्रू आउट लाइफ, लेकिन इनमें नोटोकोड जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिबल कॉलम्स में, यानी कि बोन में। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसमें होते हैं, इसमें पॉइजन स्टिंग भी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये डिफरेंस हो गए। अगर आप सिमिलरिटीज देखें तो सिमिलरिटी देखो, इसमें भी टू चैम्बर हर्ट होता है, कार्टिलेजिस में भी टू चैम्बर हर्ट होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये कुछ जो है इसमें सिमिलरिटीज भी होती है। तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों के बीच में लाइन मारे और दोनों के डिफरेंसेस जो है वो इस तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक यू।